सत्य। मैं तो प्रशंसा करूंगा तमाम हमारी पंचायतों का जिनने अपने सरकारी स्कूलों को सैनिटाइज कराया कि गांव के अंदर अगर कोई केस हो गांव में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था बनाई जाए। शहरों के अंदर भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, मगर आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर साझी करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 1 तारीख से 30 तारीख तक हमारे प्रदेश के अंदर लगभग देश के अंदर 1070 केस आए और फिर मात्र 3 दिन के अंदर 1000 नए केसेज आए और पिछले 2 दिनों के अंदर भी बड़ी मात्रा के अंदर केसेज आए, ये अपने आप में दिखाता है कि इस वायरस की मल्टीप्लिकेशन कितनी है। गंभीरता से लेने वाली बात है कि आप चाइना को उठाकर देखो जो 80,000 केसेस के बाद अपने देश को किस तरीके से क्वारंटाइन की ओर लेकर गई और वहाँ जाके मात्रा धीरे धीरे कम हुई। स्पेन लॉकडाउन और क्वारंटाइन की ओर नहीं गया और किस तरीके से वहाँ 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। आज इटली की बात करें तो देश दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जाने उनके लोगों की गई। अमेरिका जो आज से एक सप्ताह पहले इससे लड़ने की बातें करता था, आज उनके राष्ट्रपति को आकर कहना पड़ा है कि हमारे देश में शायद 2.5 लाख तक लोगों की जान जा सकती है और 4,000 का आंकड़ा उनके पिछले 24 घंटों को पार कर चुका है। 2.5 लाख के आसपास लोग वहाँ आज इफेक्टिव हैं। तो आप खुद सोचो किस प्रकार से इसका स्प्रेड बढ़ता है। प्रधानमंत्री बारी बारी आग्रह कर रहे हैं, हमारे मेडिकल विभाग के लोग बारी बारी आग्रह कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, घर में समय बिताने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ आप खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचिए कि जिस तरीके से इस वायरस का प्रकोप बढ़ा है उनका हमें देखना पड़ेगा। हमारे साथ अभी दीपक जुड़ा है, कहता है आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन। दीपक, हम भी प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश से निरंतर ये प्रयास चल रहे हैं केंद्र सरकार को कि स्पेशल फ्लाइट्स बनाई जाए, क्योंकि आज के दिन इंटरनेशनल कनेक्शंस ग्लोबली बंद हैं स्पेशल इवैक्यूएशन प्लान्स के लिए। ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रही है, हमने भी कल अपनी ओर से जिन जिन मेडिकल स्टूडेंट्स का लगभग रशिया और USSR के अनेकों देशों से सैकड़ों हमारे हरियाणा के बच्चे हैं जो वहाँ MBBS कर रहे हैं उनके नाम आए थे, ये आग्रह किया है कि उन लोगों को भी परमिट किया जाए कि वो हमारे यहाँ आए। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज के दिन आप यूक्रेन में हैं तो भी अपने घर में रहकर सुरक्षित रहने का काम करें, क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। प्रमोद लिखते हैं, प्रमोद गोयल, कि क्वारंटाइन कंटिन्यूड बट ओपन ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बिल्कुल, इसको केंद्र सरकार ने भी कल नोटिफाई कर दिया है प्रमोद, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स रिपेयर की हो, अनेकों जो चीज़ हो, क्योंकि खेती के अंदर अपने आप 6 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस रखा जाता है तो उसको खोल दिया जाएगा। मैं कई चीज़ें देख रहा हूँ, अभी हमारे सिंगल जी लिखते हैं कि यूके सैनी जी कि यूके के अंदर 5,000 स्टूडेंट्स हैं, यूके और बहुत से ऐसे देश हैं जहां इंडियंस की बहुत बड़ी मात्रा है। केंद्र सरकार हमारे कंसर्न डायस्पोरा के लिए आज भी कंसर्न है और अपने एम्बेसडर से निरंतर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के लेवल पर चर्चाएँ चल रही हैं और यही प्रयास है कि किसी तरीके से एक एक व्यक्ति को वहाँ भी सुरक्षित रखा जाए, उसको बेसिक नेसेसिटी की सुविधाएं हम प्रोवाइड करने का काम करें। पिंटू लिखते हैं वी नीड टू वर्क हार्ड टू कीप लॉकडाउन। पिंटू बिल्कुल बात है, भी हार्डनेस केवल मात्र पुलिस नहीं कर सकती। अगर हम ये सोचें कि ओनली पुलिस कैन टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स, नहीं, आप उनके बारे में सोचिए कि दिन रात पिछले लगभग 10 दिनों से वो आज खड़े हैं। मैं तो बधाई देता हूँ एक एक पुलिस पर्सनल का जिनने थोड़ी शक्ति तो दिखाई मगर उससे देश के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। दिनेश लिखते हैं कि भाई लॉकडाउन बढ़ेगा, भाई जान है तो जहान है, अगर
14 तक हम इसको कंट्रोल कर पाते तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था को खोलने का काम करेंगे। मगर अगर ये बढ़ता है तो मुझे लगता है आप लोग भी खुद चाहेंगे कि लॉकडाउन को इंक्रीज किया जाए। तो आज इस पर कमेंट करना इट्स वेरी अर्ली, मगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर फैसिलिटीज़ है एंड आई थिंक विद द लॉकडाउन वी विल कंटेन इट। डॉक्टर रजत कहते हैं कि प्रोवाइड पीपीई किट्स टू डॉक्टर इट विल बी हेल्पफुल। रजत, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एट अ वेरी लार्ज रेट और आपको बताना चाहूँगा एज यू आर अ डॉक्टर, ग्लोबल डिमांड पीपीई किट्स की बहुत बढ़ चुकी है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने भी और हरियाणा के अंदर भी हमने एक एक इंडस्ट्री जो पीपीई किट्स बना सकती है उसको एक्टिवेट कर रखा है फुल कैपेसिटी पे, लोग कर रहे हैं। कल ही हमने 1000 किट्स एक्वायर करी थी, वो 1000 किट्स ऑलरेडी अग्रोहा और पीजीआई में पहुंचा दी गई है, 2000 किट्स के और ऑर्डर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिनों के अंदर जो रिक्वायरमेंट होनी है हमारे 1 महीने के अंदर हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। आज के दिन पीपीई किट्स की चुनिंदा सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर दिक्कत है, बड़े हॉस्पिटल्स में सब में है, प्राइवेट सेक्टर में सब में अवेलेबल है बिल्कुल, क्योंकि किसी ने इतनी बड़ी महामारी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, तो इट केम बाय अ सरप्राइज। पर मुझे लगता है कि N95 मास्क और पीपीई किट्स की प्रॉपर हमारे पास उपलब्धता है। दिलबाग कह रहे हैं PWD के रेस्ट हाउस वाले, दिलबाग हमारी जिम्मेवारी है हाउसिंग बोर्ड के भी और आपके हाउसिंग बोर्ड कह रहे हो टूरिज्म के भी जितने कॉम्प्लेक्सेज हैं और PWD के जितने वो हैं, दोनों को आज हमने ओपन कर दिया कि भी किसी भी व्यक्ति ने अगर करना है। कुशल कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया वाली मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि हम स्टूडेंट्स हेल्प नहीं करेंगे। कुशल आप मेरे को इसको डिटेल को मेरे ईमेल पे भेज दीजिए, मेरे फेसबुक पे उपलब्ध है, मैं खुद कंसर्न्ड मास्टर से भी बात करूंगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको सारी व्यवस्था हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज इंक्रीज वन मोर डे, अमित मनहर कहते हैं। अमित, अगर आप लोग देना चाहते हैं गवर्नमेंट रिलीफ फंड में तो केवल मात्र इम्प्लॉय ऑनलाइन नहीं दे सकते, आप अपनी तनख्वाह को डायरेक्ट डोनेट करिए, पेटीएम के माध्यम से करिए, सरकार के खाते में करिए। ये तो निष्ठा है, सरकार ने ऑलरेडी 5 दिन का समय दिया था सारे इम्प्लॉयज़ को कि एट विल अगर कोई देना चाहता है तो दे सकता है। मुझे लगता है कि बहुत 60-62% लोगों ने अपनी सहमति जताई, कई लोगों के पास नहीं है टेक्नोलॉजी सेवी इतने, तो उसको आप जरूर जो हमारा कोरोना हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड है उसमें दे सकते हैं। गौतम कुमार कह रहे हैं कोरोना टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। गौतम, ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये महामारी की शुरुआत हुई तो हमारी केवल मात्र 2 ही लैब्स थी, खानपुर मेडिकल कॉलेज की और PGI की जो इक्विप्ड थी। सरकार ने तुरंत प्रभाव से 5 मेडिकल लैब्स का PGI के अंदर सेकेंड, उसके साथ साथ नल्लड़ में, अग्रोहा में, उसके साथ आपके कल्पना चावला में और एक पंचकुला के अंदर लैब सेटअप करने की 5 की परमिशन दी थी। मगर 5 प्राइवेट लैब्स और हैं गुड़गांव बेस्ड जिनको सरकार ने केंद्र सरकार की जो IMCR है ICMR उसने अप्रूव कर दिया है। अब हमारे पास टोटल अगले 2 से 3 दिनों में टोटल 12 लैब्स हो जाएंगी, मुझे लगता है वो सफिशेंट है हरियाणा के टेस्टिंग की मात्रा में। मगर हम और भी प्रयास करेंगे कि अगर और मेडिकल कॉलेज, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे मुलाना के अंदर है या फिर SGT गुड़गांव के अंदर अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो हमारी सरकार को शायद कोई संशय भी नहीं होगा उनको परमिट करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कई साथी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रवि पूछ रहे हैं जमींदार की गेहूँ का क्या होगा। रवि, आज के दिन एक जंग जैसी सिचुएशन है, जंग कोरोना के वायरस से है, ये गोलियों का जंग नहीं है जिसके अंदर हम खेत में बैठ जाएंगे और वहाँ काम चल जाएगा। आज के दिन आपकी लेबर की शॉर्टेज है, आपके पास बड़ी गैदरिंग करने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके अंदर सरकार ने प्लान बनाया है कि 15 से सरसों की परचेज शुरू करेंगे और 20 तारीख से गेहूँ की परचेज करेंगे। ये वादा आपको है कि एक एक दाना हम हरियाणा प्रदेश के किसान के गेहूँ का खरीदने का काम करेंगे। जीतू कहते हैं यादव जी कि अरेंज चेकअप्स एट विलेज लेवल, बिल्कुल कर रहे हैं। आज के दिन हमारी जो चेकिंग कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन में अभी 38 केसेस हमारे आ रहे हैं,
मगर हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। पिछले दिनों के अंदर कि हर व्यक्ति तक जहाँ भी हमें ये लगता है कि कोई केस डेवलप हो सकता है उनकी हम टेस्टिंग करा रहे हैं। मैं कई साथी आ रहे हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ में जॉब कट्स का क्या होगा। हमने ऑलरेडी आदेश दे दिया है कि किसी भी कंपनी के अंदर ले ऑफ नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी 31 तारीख की डेडलाइन थी लेबर सेक्टर में और एम्प्लॉय सेक्टर में 7 तारीख तक की डेडलाइन थी कि सबकी तनख्वाह पहुंच जानी चाहिए और निरंतर हमारे डीएलसीज और डीडीज और साथ में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जीएम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं भी कंप्लेंट आती है वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। विशाल भारद्वाज जी कहते हैं कंबाइन फैक्ट्री एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है और हमने ऑलरेडी मॉनिटर कर लिया कि हरियाणा प्रदेश में आज के दिन 4,250 के आसपास कंबाइन अवेलेबल है। इतनी ही कंबाइन हमारे पास पंजाब से और राजस्थान से आती है और हमारा प्रयास है कि जो इन पे काम करने वाले कारीगर हैं क्योंकि वो पंजाब से अधिकतम हमारे लोगों के साथ जुड़कर जाते हैं उनको भी मूवमेंट के हमने पासेस दिला दिए कि कंबाइन की कमी हमारे खेतों में कहीं ना दिखे। मनदीप, आईवी हॉस्पिटल पंचकुला की अगर बात कर रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई कहिए क्योंकि हमारे पास एक ही हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी जरूर बंद हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि इस तरीके से कोरोना की महामारी हमारे बीच में फैलने का काम करे। मैं कोशिश करता हूँ, पहले एक बारी तो लोग वीडियो पे साथ जुड़ सकते थे और मेरा प्रयास है कि आप लोगों के सुझावों को भी मैं ले लूं। परविंदला ढल्ला जी पूछ रहे हैं, परविंदर ढल्ला पूछ रहे हैं एनडीआरएफ तैयार है। एनडीआरएफ प्रॉपर तैयार है, हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस भी सेटअप है जिसके अंदर लगभग 250 के आसपास लोग दिन रात कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। 24 आवर्स है उसके अंदर। आप ये देखिए कि 10-12 हज़ार के बीच में कॉल्स डेली आती है और हमारा प्रयास है कि तमाम कॉल्स को हम प्रॉपर मॉनिटर करें। 8 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर एक एक अधिकारी एचसीएस लेवल का बैठा हुआ है जो मॉनिटर भी कर रहा है और एक एक व्यक्ति की समस्या का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ायदा उठा रहा है। चंदन चावला जी कह रहे हैं कि कोरोना इज स्प्रेडिंग एट कम्युनिटी लेवल, लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड। चंदन, अभी तो बहुत अर्ली है, वी स्टिल हैव 10 डेज टू गो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अगले 10 दिनों के अंदर अगर जरूरत पड़े तो वो कड़ा निर्णय भी लेंगे। शुभम, आपने कहा कि रिलीफ मटेरियल और मेडिकल कैंप्स के अंदर नारनौल महेंद्रगढ़ नहीं पहुंच रहा, मुझे आप एग्जैक्ट लोकेशन अगर भेज सकें तो मैं ज़रूर अभी किसी ना किसी की ड्यूटी लगाऊंगा जो प्रॉपर इसको मॉनिटर कर पाएगा। बिल्कुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल तो नहीं है बट रोहित, वी हैव एम्स झज्जर वाला जो आपके गुड़गांव से निकलते ही है वो एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के तौर पे कर रहा है। मेदांता ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को अश्योर किया है और उनके साथ मिलकर मानेसर में एक 100% डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसके अंदर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अच्छे डॉक्टर्स को हम इंक्लूड कर सेटअप कर रहे हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको इस मुहिम के अंदर हम लेंगे जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल की तरह काम करेगा। आज के दिन डेडिकेटेड फ्लोर्स हॉस्पिटल्स पर हमने बनाई है जिनको क्वारंटाइन किया गया है और वहाँ काम करने वाले लोगों को भी अलग से रखा जा रहा है कि अगर उनके अंदर इसका स्प्रेड होता है तो उनके फैमिली मेम्बर जिससे इफेक्ट ना हो। जितेंद्र, आपके पॉइंट को मैं जरूर देखूंगा।
प्रमोद कह रहे हैं कि सैनिटाइजर टू ऑल वेटनरी हॉस्पिटल्स, बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे सैनिटाइजर्स। हमने लगभग 2 लाख के आसपास डिस्ट्रीब्यूट सरकार के और सीएसआर के अंदर लोगों ने दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर और सैनिटाइजर्स भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुँचाएंगे। उदय, आई डिड स्टडी इन सीनार। डॉक्टर साहब साहू जी कह रहे हैं कि सिरसा में सफिशेंट पीपीई किट्स अवेलेबल है, मैक्सिमम प्लेसेस आर फाउंड शॉर्टेज। शॉर्टेज बिल्कुल है, ग्लोबली शॉर्टेज है। आज मैं एक इंडस्ट्री जो बनाती है उनसे बात कर रहा था, वो कहते हैं हमारे पास यूरोप से ऑर्डर आ रहा है, और वो कह रहे हैं एट एनी प्राइस हम परचेज करेंगे। मुझे लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री को हमने डायरेक्ट किया हुआ है कि हमारी प्रदेश की, हमारे देश की प्रायोरिटी है, और उसके बाद ही कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर उनके पास बल्क के अंदर सामान पड़ा है। मैं कई एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं और एक एक करके ना तो पढ़ा जा रहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई कर पाऊँ, मगर मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए और लोगों के साथ, और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये 10 दिन बड़े कठिन और कड़े हैं, मगर अगर देश को बचाना है, हरियाणा को बचाना है, तो हमें सबको मिलकर इस लॉकडाउन को कामयाब करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जब आपसे हाथ जोड़कर ये आग्रह किया है, तो साथियों फिर एक एक सिटीजन की जिम्मेवारी। आप ये मानिए, कारगिल युद्ध के आगे कोरोना वाला ये जो वायरस का युद्ध है, ये बहुत बड़ा है। हमने तो 71 भी 65 भी ये सारे जंग देखे हैं, मगर मुझे लगता है ये एक ऐसा जंग है जहाँ ना दुश्मन दिखता, मगर उस दुश्मन से यही बचा जा सकता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में बैठा कर रखें, काम करें। और आप सब इसके अंदर सहयोग सरकार का करते रहेंगे, कहीं भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो उसको पुटअप करिए। मैं यही प्रयास करूंगा कि हर रोज़ जो साथी जुड़ते रहेंगे उनके सवालों का भी आकर जवाब दूं, नए साथियों के भी सवालों का दूं। मगर कई NRI साथी हैं जो लिख रहे हैं कि उनको दिक्कत आ रही है, मैं चाहूँगा कि या तो आप मेरे इनबॉक्स में या मेरे ईमेल पर अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं कंसर्न्ड हाई कमिश्नर से खुद स्वयं बात कर उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी पर वहाँ जो भी इमरजेंसी है वो प्रोवाइड करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जन।